गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग कैसे हैं भाई सब लोग गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं भाई सब लोग देखिए जरा कौन 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 आ गया है यहाँ पे देखिए जरा ओके नितीश स्पर्श ओके okay. मीनू मैम वेदाग्री वेदाग्री ये कैसा नाम है वेदाग्री मतलब अच्छा नाम है नो ऑफेंस ओवर दैट बढ़िया अच्छा नाम है गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग देखें जरा कौन-कौन कौन आ गया है एंड नीराकार मोहनता अच्छा है. अच्छा ये तुम्हारा टॉपर है भाई बच्चा गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग और कौन-कौन है रोहित मंदार संजय हासिनुल करण <laughs> नाम देखो कैसे कैसे नाम रखते हो तुम हाँ गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग राशिद ईराम राशिद हाय तो अपने नाम से क्यों नहीं आती है बेटा क्यों अपने नाम से क्यों नहीं आती है तू हाँ गुड इवनिंग दीपाली गुड इवनिंग दीपू गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवान गुड इवनिंग भाई कैसे हैं सब लोग तैयारी फूल है आज हाँ पहले मैंने सोचा कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दें फिर मैंने सोचा कि चलो यार मेंटी क्विजी ले, ले लेते हैं देखें तो सही सरप्राइज टेस्ट लेते रहना चाहिए है ना बिल्कुल ऐसे बनता है ना द लास्ट मोमेंट में सरप्राइज टेस्ट लेना इस तरीके से नहीं हाँ सरप्राइज टेस्ट लेना बनता है राइट हाँ 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 बनता है ना मैंने सोचा देखे तो सही तैयारी कैसी है ज्वाइंट्स पढ़े भी कि नहीं पढ़े कि ऐसे ही बस ऐसे ही आ गए हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग इंग्लिश प्लीज़ इंग्लिश यार इंग्लिश तो आती नहीं यार मुझे बोलना मेरे बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते इसलिए मैं भी इंग्लिश नहीं बोलती बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश बोलना मुझे एकदम नहीं हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी <laughs> <laughs> है ना सही है ना बच्चे ही नहीं बोलते मैं भी नहीं बोलती इनसे इनसे ही सीखा है ना मतलब मैंने भी जो थोड़ा बहुत सीखा है थोड़ी बहुत एक दो तीन चार लाइनें आती है इनसे इनसे सीखी हुई है <laughs> गुंजा गुंजा जानवी श्रीना श्रीनिवास के नाम से है क्या गुंजा अब अप, अपने नाम से क्यों नहीं है ओके ओके हाय मैम रिमेंबर मी हाँ जी बिल्कुल प्रिंस जैन बिल्कुल मैं सबको रिमेंबर करती हूँ सबको आई आई हैव रिमेंबर्ड अच्छा आज जल्दी आ गए हाँ मैंने सोचा थोड़ा जल्दी आ जाते हैं आज आपका फिजिक्स का क्लास है ना थोड़ा लंबा चलेगा आज फिजिक्स का क्लास सो मैंने सोचा कि पहले पहले आ जाते थोड़ा सा आपकी फिजिक्स कल के लेक्चर में मैंने आपको यही कहा था ना फिजिक्स की जो क्लास है वो आपको अच्छे से लगानी है ना वहीं पे आपके सबसे नंबर जो हैं वो ऊपर वो नीचे होंगे बता रही हूँ सीक्रेट है ये चलो आ गए सब लोग जल्दी 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 चलो फटाफट से चलो बताओ सब लोग लाइक कर दिया सबने कितने कम लाइक्स देखो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा इतने कम में? बताओ <laughs> चलो इतन सारे बच्चे देख रहे हैं और इतने कम लाइक चलो फटाफट से लाइक तो बढ़ाओ भाई चलो <laughs> लाइक्स बढ़ाओ डिसलाइक नहीं बोला मैंने डिसलाइक <laughs> का बटन होना ही नहीं चाहिए था बता रही हूँ हाँ? ओके, 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 फिर नहीं चलेगा नहीं हम्म तैयारी की है फिर तुम लोगों ने तैयारी की है कि नहीं की है तैयारी की है कि नहीं की है मैम हाउ आर यू आई एम गुड मैं बढ़िया हूं पहले तुम तो मुझे बताओ तैयारी की है आज मेंटी क्विज की किस चीज का मेंटी है आज विच सब्जेक्ट डू वी विच सब्जेक्ट विच टॉपिक आज कौन सा टॉपिक का है बेंटी जल्दी बताओ शाबाश 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 देखें यार इसका भी मैम हाउ टू हैक मेंटी हाँ हाँ बेटा मैं बताती हूँ इसकी क्लासेस भी देती हूँ मैं है ना अब बताएंगे आपको भी हाउ टू हैक मेंटी <laughs> हाँ चलो मैम एटलीस्ट टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दिया करो अच्छा हाँ यार टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दे अभी डाल दें क्या बताओ डाल देंगे नोटिफिकेशन होना चाहिए था वैसे तुम्हारे पास भी ऑप्शन होना चाहिए था ये टेलीग्राम पे पर पता नहीं फिर तुम क्या क्या नोटिफिकेशन डालते तुम इसे कुछ अच्छे बच्चे तो बढ़िया नोटिफिकेशन डालते तुम से पता नहीं कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या नोटिफिकेशन डाल के आ जाते ये भी तो बात है ना अच्छा ओए बाप रे फोन लगा फोन बज जाएगा दोबारा फिर फिर बोलेंगे मैम आपका फोन बज गया मैम ये मैम वो ठीक है अब आप नहीं डाल देना आप तो हो गया लोकोमोशन मूवमेंट का अच्छा ठीक है अच्छा पढ़ के आए ना सब लोग वॉरियर पोज रेडी है हाँ <laughs> वॉरियर पोज रेडी है ना सबका हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया और चलते हैं भाई ये आग क्यों लगा दिया भाई हमारी स्क्रीन पे हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स टू शो रिस्पेक्ट डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस ओके प्लीज डोंट आस्क द पर्सनल क्वेश्चन मोर मीन मैम वी आर रेडी रेडी है सब लोग रेडी है सब लोग ओके रेडी स्टडी गो चले शुरू करें चले शुरू करें अच्छा ठीक है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अब सारे सारे तो ऐसे वो पुराने हो गए ना मेरे पास तो कुछ है भी नहीं अब वो पूछने के लिए तो मैं इस यही पूछ लेती हूँ कि यार फटाफट -फड़ से अपनी सिटी का नाम भी देख दो कि मैं देखूँ यार हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं चलो बताओ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे जस्ट लेट मीन लेट मी जस्ट हैव अ लुक लेट मी जस्ट हैव अ लुक कहाँ कहाँ से जुड़े हैं हमारे बच्चे चलो 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 जल्दी 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 सेवन थर्टी तक डन करते हैं सेवन थर्टी तक तो नहीं हो पाएगा बेटा बताओ भाई अपनी अपनी सिटी का नाम तो बता दो फटाफट से हार्ट सिटी हार्ट सिटी हार्ट सिटी हार्ट और सिटी है ना लव 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 फ्रॉम दिस लव फ्रॉम दिस ठीक है औरंगाबाद से कौन है भाई अब अबुजर मोसाद फ्रॉम वेस्ट बंगाल अर्जुन फ्रॉम एम पी अच्छा विवेक फ्रॉम कर्नाटका शिवम फ्रॉम एम पी पटना कटक ओके okay, ओके okay. मुंबई कोल्हापुर कोल्हापुर से कौन है मंदार ठीक है भाई मंदार ओके okay. उदयपुर हैदराबाद बिहार इंडिया वेरी गुड क्या बात है भाई वेरी गुड लव फ्रॉम डेली मालदा अच्छा हिमाचल हिमाचल से कौन है मैम आप तो वायस जो अपने स्टेट को लेके ना अपने से अपना स्टेट क्या अपना देश है स्टेट की क्या बात है <laughs> जुपिटर अच्छा ना यार जुपिटर दुबई ओके okay. ओके okay. भागलपुर भागलपुर से कौन है भागलपुर बिहार अच्छा इराम ईराम अच्छा तो नाम चेंज कर लिया ये मुझे बड़ी मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अपने नाम से बच्चे अपने नाम से वर्क करते हैं यहाँ पे मुझे सच में बहुत खुशी होती है मुझे मजा आता है तुम्हें ऐसे देख के यहाँ पे <laughs> चलो, चलो 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 और बताओ कबीर फ्रॉम मुर्शिदाबाद कबीर स्टूडियो वेरी गुड चलिए और 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 कौन से लव फ्रॉम राजस्थान तरसीम गरोवर अमित भल शंकर भाल शंकर भाल शंकर पुणे सॉरी ध्या्या वेरी गुड वेरी गुड दे यू गो देकमे ना एंड टू सी है ना ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया को पढ़ा रही हूं मैं बहुत ही खुशी मिलती है एंड चलो फिर इसी जोश के साथ यार बच्चों रेडी हो तुम लोग चलें शुरू करें फिर चलें स्टार्ट करें अपना मिन्टी क्विज हाँ चले फिर चलें लेट्स रॉक लेट्स रॉक हाँ चले हम रॉक करें सब लोग हम्म वीडियो को लाइक कर दिया सबने वीडियो को लाइक कर दो सब लोग फटाफट से ठीक है वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट अस जस्ट रॉक टुडे है रॉक एंड रोल रॉक एंड रोल हाँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट है ना रॉक एंड रोल उसके साथ सूट भी करता है क्या मैम आप भी जोक्स चलिए सो शुरू करने से पहले बच्चा हमारा है आपका क्रैश कोर्स जो कि अभी मैं आपको कहूंगी कि लाइव सेशंस भी इसमें क्या क्या आपको मिलेगा सबसे पहले आपको पहले तो ये बताया ना कि मिलेगा क्या क्या फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ है बेटा 60 सेशंस आपको इसमें मिलेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगी इस वक्त तक आते आते, आते आपको डाउट सॉल्विंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए कोई भी डाउट जो है वो अनसॉल्व आप नहीं छोड़ोगे ठीक है कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं छोड़ोगे तो ये यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड है सुबह से लेकर शाम तक आपकी डाउट विंडो जो है वो खुली रहेगी आपका वेब है हमारा जो वेब प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको क्लासेस मिलती है वो इंटरक्टिव है ठीक है बेटा तो इस तरीके से आपको वहां पे क्लासेस दी जाती है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं और बाकी आपको सिक्सटीज से 9 अगस्त से ऑलरेडी इसका बैच शुरू हो चुका है बेटा फोर फाइव जीरो जीरो में आपको ये क्रैश कोर्स मिल रहा है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ठीक है आप कूपन कोड लगाएंगे एम एस नीट तो आपको फिफ्टी फाइव परसेंट जो ऑफ मिल जाएगा फिफ्टी फाइव परसेंट यू विल ऑफ द ऑफ यू विल गेट ठीक है तो ये ही आपको मिलेगा मैंने आपको पहले भी बता दिया राइट अच्छा इसके अलावा बेटा वेदांतों की तरफ से एक

चलो सब्सक्राइब कर लो मिलना है ना रोज सब्सक्राइब करो फटाफट चैनल को चलो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना अरे यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन मान ही नहीं रहा नहीं मान रहा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया कर लिया सबने कर लिया चलो शुरू कर दे फिर शुरू कर दें शुरू दे तो आज आज का आपका आपका टूडेज थॉट ऑफ द डे इज द पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट थिंकर नॉट अ माइंडलेस फॉलोअर ठीक है ना जैसे कि आप मेरी गलतियां निकाल देते हो जैसे मैं आपकी गलतियां निकाल देती हूं तो करते रहना ठीक है, है. है माइंडलेस फॉलोअर हाँ चलो <laughs> ओके हाँ, मतलब, हाँ? Okay. हाँ टीचर्स भी नहीं अपनानी है बात ये नॉर्मल जिंदगी में अपनानी है ठीक है चले कोड इज आज का मेंटी कोड क्या है बेटा कोड है आजा आपका

गाइस गुड इवनिंग सार्थक सो रहा है क्या तू राकेश लेकिन हम एम सी आर टी रट के आए इंडिपेंडेंट थिंकर कैसे बनेंगे हम <laughs> नीट क्लियर करो न लायक इसके बाद में <laughs> चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड ऑल द वेरी बेस्ट सबको अच्छा सबको ऑल द वेरी बेस्ट हो रहा है हो गया डन 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 है चलो भाई वॉरियर पोस्ट ऑल द गर्ल्स एंड द गज विद द लॉन्ग हेयर हैव नॉट गॉन टू बाबर फॉर सो लॉन्ग बताना नीम के पेड़ के नीचे वाले कौन जाता है ना इसी के नीचे है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हाँ चलो हम्म, कर लिया ज्वाइन कर लिया सबने एवरीबडी है कहाँ है बेटा दिखती नहीं है तू है ईद का चांद हो गई है हाँ चल 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 चलो चल, आ गए सब लोग आगे वेरी गुड वेरी गुड ओके गाइस चलो सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट सबको एंड मे यू गेट द लोएस्ट ऑफ द ट्रॉलिंग मे आई गेट द लोएस्ट चांसेस टू ट्रॉल यू एंड मे यू गिव मी द गुड एंड फोटो क्लिकड ग्राफ्स है ना बढ़िया बढ़िया ग्राफ तो मुझे दो और मेरे को uh, कम से कम मौके मिले

वेरी गुड वेरी गुड चलो 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 शाबाश शाबाज शाबाश एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउउंड इन द कहा मिलता है थ्री टू वन एंड करेक्ट आसल इज क्या बात है भाई ओपनिंग तुम अच्छी कर ही देते हो वैसे एनी वेज पेक्टोरियल गर्डल ऑफ द मैमल्स है ना एक्रोमियन प्रोसेस जो है आपके पैक्टोरियल गर्डल ऑफ द मैमल्स में मिलती है किसके साथ आर्टिकुलेट करती है चलो मेरा कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे ये बताएगा एक्रोमियन प्रोसेस जो स्कैपुला की है वो किसके साथ जो है वो आर्टिकुलेट करती है बताओ 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 शाबाश शाबाश हाँ ये पेल्विक गर्डल वालों के लिए तो हम स्लो क्लैप करेंगे ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ कैसे आ गई ये बताओ पेक्टोरल गर्डल होता है मैम किसके साथ आर्टिकुलेट कर चलो एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल वेरी गुड है ना पोस्टीरियर साइड ऑफ द कॉलर बोन है ना ब्यूटी बोन होता है मैंने बताया ना ब्यूटी बता बोन है ये so, ये सो के साथ में करती है राइट right? क्लाविकल के साथ में वेरी गुड वेरी गुड क्लाविकल कॉलर बोन कॉलर बोन ब्यूटी बोन लड़कियों में लड़कों में नहीं ब्यूटी पेजेंट्स में इसके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं पता है ना आपको uh, हाँ सुना तुमने एसेटाबुलम नहीं सुना Acetabulum होगा वहां पे जो फीमर उसमें फिट होगा ठीक है चलो नाम लिख लिया सबने हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट नाम, नाम लिखा लिख लिया नाम सबने चलो शाबाश लिख लिया नाम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो चलो छा जाओ, जाओ बस फटाफट -फड़ से अब चलो क्वेश्चन नंबर टू है

<laughs> और इसी के साथ ही इसी के साथ ही हमारे बच्चों ने दिखा दिया कि आ, हमने एनसीआरटी के बाहर से नहीं पढ़ा है जो कि मैंने मना किया था जो कि बहुत अच्छी बात है अच्छा पहली बात है ये जो टालस एंड बेटा कैल्सिनियम है ना ये आपकी बोन्स हैं टार्सल्स की कार्पल होता है ना कार्पल इज रिस्ट बोन है ना मैं यहाँ टांग उठा के तो दिखा नहीं सकती हूँ बट जस्ट आपकी जो एंकल बोन है ना मतलब बेसिकली आपका जो आ, है ना तो वहां पे सो बेसिकली टालस को आपकी एंकल बोन ही कहते हैं ठीक है वहां पे सात हड्डियां होती है ना सेवन तो टालस का जो ही और होता है ना इसके साथ जुड़ा था, हील पहनते हो या फिर हील, तो हील बोन होती है. टालस एंड कैल्सिनियम आपके बोन है जिसके बारे में सिर्फ आप नंबर ही पढ़ते हैं कितना नंबर है टार्सल का बताएं बेटा कितना नंबर है टार्सल का टार्सल का कितना नंबर है ओनली कितना नंबर है टल का ऑनली सात ठीक है ओनली सेवन बोन्स ठीक है ना सेवन आर टार्सल्स टालस एंड टारियम टीबियो फिब्यूला से जुड़ती है एंटीरियर पे टालस कैल्सिनियम से जुड़ती है पोस्टीरियर और हील बोन है ठीक है चलिए वेरी गुड कोई बात नहीं इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी बिकॉज ये आपकी बुक में नहीं है कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर थ्री अभी क्वेश्चन नंबर Number of bones in appendicular and axial skeleton respectively are. Chalo, ye easy question. Hai. Chalo. Very good. Number of bones in appendicular and axial skeleton respectively are. Chalo, chalo, chalo. chalo. Very good. Very good. Shabash, shabash, shabash. Huh? huh. Appendicular and axial skeleton are. वेरी गुड थ्री टू वन वे पेंडिकुलर एग्जिसिकुलर में आज यार तुम ना स्लो क्लैप करो इनके लिए स्लो क्लैप करो सच में करो स्लोक अरे वन ट्वेंटी सिक्स और 80 होगा भाई अपेंडिकुलर में आपके एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में आपके 120 क्या उल्टा तो नहीं है <laughs> मेरे को ही तुम कंफ्यूज करा दोगे भाई ठीक है अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है आपका एजेस वाला एज है ना जो आपके एज है और एक्सियल स्केलेटन होता है आपका ये वाला ठीक है न? तो उसमें अस्सी होती है और उसमें एक अरे साठ तो आपकी सिक्सटी सिक्सटी थर्टी यहाँ पे थर्टी यहाँ पे थर्टी यहां पे थर्टी मतलब ये तो एक सौ बीस तो आपकी हाथ हाथ की हो जाती हैं आप ये सोचो हाथ और पैर की सोच के देखो ना जरा आपके यहाँ पे थर्टी यहाँ पे थर्टी आपकी टांगों में भी थर्टी और थर्टी सिक्सटी मतलब एक सौ बीस तो ऊपर ही हो जाती है राइट तो अपेंडिकुलर बोन्स में ऐसे ऐसे याद रखो ना? अपेंडिकुलर स्कैल्टन में आपकी एक सौ बीस तो ऐसी बोन्स हो गई ठीक है ना बाकी बची छे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की ठीक है सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा 126 और एक्सियल में 80 ठीक है ये वाले बच्चों को मैं बोल बोलूंगी आप इस बात का ध्यान रखें बेटा कि रिस्पेक्टिवली वर्ड को आपने ढंग से देखना है रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली कहां पे लिखा हुआ दैट यू नीड टू डू 86 एंड 120 120 एंड 86 वाह ये तो ये कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम आजकल ये वाले बच्चे हाँ ये वाले बच्चे कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम आजकल हां ऐसे मत करो यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वी गो थ्री टू वन चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ऑनली स्कल बोन्स इनमें से कौन सी इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कल बोन्स हैं चलो शाबाश एटलिस कॉरिकॉइड एंड फ्रंटल टेरिगॉइड एंड फ्रंटल एंड आरिटेनॉइड एंड पेराइटल चलो शाबाश हाँ गो 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 वेरी गुड शाबाश 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 हम्म थ्री टू वन ओके बेटा कॉरिकॉइड बोन्स होती है आपकी कोई बात नहीं इट्स ओके कॉरिकॉइड बोन होती है आपकी शोल्डर मतलब शोल्डर में प्रेजेंट होती है और आपके स्टर्नम को बेसिकली शोल्डर जॉइंट से जो है कनेक्ट करती है ठीक है तो ये फ्रंटल और आपको पता है फ्रंटल तो आपकी क्रेनियल स्कल बोन हो गई ठीक है तो ये तो ये तो स्कल बिल्कुल नहीं है पता ही आपको टेरिगोइड एंड फ्रंटल होगा आपका करेक्ट आंसर टेरिगोइड बेटा ऐसी बोन है आपकी जो पैलेटाइन बोन के मतलब उसमें प्रेजेंट होती है उसके साथ जुड़ती है आपकी टेरीगोइड तो बेसिकली आपके स्कल में ही होती है एंड फ्रंटल बोन जो है ये है आपकी जो स्कल बोन हैं और ये नहीं है आपकी स्कल बोन ठीक है बाकी एटलस तो आपको पता ही है एरिटेनॉइड sure बॉक्स में होता है कार्टलेज है ये बेसिकली ठीक है एरिटेनॉड तो आपको वैसे भी काटिलेज है राइट चलिए ठीक है तो हाँ मजा आ रहा है हाँ मजा आना चाहिए ठीक है तो टेरिगोइड एंड फ्रंटल टेरिगोइड एंड फ्रंटल इसके लिए विस्तार के लिए जानने के लिए देखिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जानना इन बोन्स के लिए तो तो देखो में में जब एडमिशन ले लोगे तो पूरा पढ़ोगे 2009 में आया क्वेश्चन एक्सिस वोटिब्रा को कैसे आइडेंटिफाई करते हो तुम तो? चलो शाबाश शाबाश एक्सिस वोटिब्रा इज आइडेंटिफाइड बाय कमान 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 एक्सिस वर्टिब्रा इज आइडेंटिफाइड बाय चलो 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 शाबा 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 थ्री टू वन है प्रोसेसर द करेक्ट आंसर बहुत ही बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड बच्चा ऑडेंटॉइड प्रोसेस जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है

कौन सा पाइवट वेरी गुड नेहा, अमृत राकेश पाइव जॉइंट है ना ऐसे करके। ऐसे, तो मैं ऐसे, ऐसे, उपर, ऐसे करके, मुंडी तुम ऐसे घुमा सकते हो ऊपर नीचे घूमती है ठीक है हाँ। बाकी तुम्हारे काम का चीज नहीं है ठीक है ना डेल्टॉइड मसल ही होती है आपकी जो ये कंधे वाली मसल्स होती है ना ये होली होती है। बाकी नॉट को छोड़ो फालतू इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे दिमाग में ठीक है गुड इवनिंग श्रेया आइए जरा देखें वीडियो <laughs> क्यों भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई सारे अच्छा ये तो मेरे डायलॉग बोल रहे बदतमीज वीडियो को लाइक कर दो भाई ठीक <laughs> है यश डॉक्टर सेंटीपीट एनी ड्राइड चैत्र धन धन्य धन्य धान्य मैं धान्य बोलूं ऐसे है ना तुषार बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम ओके वेलकम बैक आईना वेरी गुड अमित बालशंकर लव यू मैम अमित बालशंकर मैम लव यू टू बच्चा सोनी रंजन वेरी गुड गुड जॉब वेरी गुड एंड मैं चाहती हूँ कि यार तुम सब लोग एक एक हाजिरी लगा के तो जाओ यहाँ पे ठीक है और जल्दी आपके लिए नाइन्टी क्वेश्चन नाइन्टी के हंड्रेड क्वेश्चन लेके आ रही हूँ आई थिंक नेक्स्ट टू डेज में वी विल बी देयर है ना इसी टाइम यही रहेगा सात बजे ही रहेगा शाम के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स कर दिया लाइक हाँ थैंक यू सो मच मैंने लिखवाया भाई वो पता नहीं किसने लिख दिया खुद ही <laughs> आए ना आपको कॉन्ग्रेस बोल रहे हैं भाई सारे विच वन इज अ फ्लैट बोन फ्लैट बोन कौन सी है इसमें स्कैप्यूला कार्पल पैटला और टार्सल चलो चलो शाबा 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 छा जाओ फटाफट से ऐसा बाहर से कोई देखे तो दिखा दो बस हम एकदम हाँ हाँ चलो 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 चो शाबा 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 वेरी गुड विच वन इज अ फ्लैट बोन वेरी गुड

ब्लड नर्वस सप्लाई की जरूरत होती है कौन से वर्टिब्रा में प्रेजेंट है चलो शाबाश सवाइकल नंबर थोरासिक या सेक्रल चलो चल 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 शाबाश चीटिंग कर दिया मैंने थोड़ी सी तुम्हारे साथ देखिए इस चीटिंग को लेने वाला कौन है ऐसे हम्म शाबाश वेरी गुड 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 गो ऑन हम्म थ्री टू वन एंड टाइम आप और इसी के साथ ही इसी के साथ ही इसी के साथ ही द आंसर इज सर्वाइकल वर्टिब्रे है ना सेवेंथ जो आपका सी सेवन है ना सेवन सर्वाइकल तक वर्टिब्रेती है इसका फंक्शन ये होता है आर्ट्रियल केनाल प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई द नरिशमेंट टू योर ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम पता है ना क्या होता है ब्रेन स्टेम क्या क्या है ब्रेन स्टेम किस किस को बोलते हैं किस किस को बोलते हैं ब्रेन स्टेम चलो बताओ शाबाश मुझे कौन बच्चा बता देगा ब्रेन स्टेम ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये ब्रेन स्टेम किस-किस को बोलते हैं ब्रेन स्टेम को आपका सेरिबेलम को ये क्या करता है ब्लड जो है प्रोवाइड करता है वर्टीब्रा एक इसमें होती है चलो शाबाश जल्दी बताओ ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं शाबाश मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला मिड ब्रेन मिड ब्रेन प्लस हाइन ब्रेन नहीं सार्थक

so this is it huh so vertebro atrial canal occurs in here okay next question the question number 8 here we question number 8 3 2 1 chalo cerebellum nahi hoga sarthak in human being beings the cranium is formed by ये question तुमने गलत किया ना फिर तुम देखना ये question तुमने गलत किया ना फिर तुम देखना बेटा हम्म हम्म चो 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 शाबाश 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 अच्छा ग्राफ दे दो क्या बात है वेरी गुड एट बोन्स विच टू आर पेड वेरी गुड बहुत बढ़िया नेम ऑफ आल्सो विच आर पेड आप मुझे बता सकते हो ऐसी दो बोन्स जिस जो की पेड है इसकी क्रेनियल चलो शाबाश शाबाशाबा देखे कौन लिखता है इसका आंसर चलो 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 शाबाश कौन वेरी गुड शाबाश फोटो खींचो भाई फोटो तो खींचो इसकी भाई फोटो बनती है कल तना शशांक वेरी गुड पेराइटल एंड टेम्पोरल है ना पेराइटल एंड टेम्पोरल तो आठ क्रेनियल बोन्स हैं आपकी फ्रंटल पेराइटल दो ठीक है टेम्पोरल भी दो ऑसिपिटल एक फिर स्पिनॉइड और इथमोइड है ना समझ आ गया तो ये आपकी हार्डबोन्स होगी इसमें से पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड है करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ज्वाइंट विद्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम अब जो क्वेश्चन करने वाले हो इसमें से आपको पेपर में एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा एक बात मान के चलना मेरी अब से आगे से अगले जो क्वेश्चन हैं करेक्ट मैचिंग टाइप ढूंढो ये सीधा से क्वेश्चन उठाया हुआ है सीधा से है चलो 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 चल चलो चल, 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 वेरी गुड वेरी गुड शाहबाश करेक्ट मैच ढूंढना है वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस वेरी ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स आपका एनसीआर की एग्जैक्ट लाइन है चाहे आप देख लेना ग्लाइडिंग ज्वाइंट उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिटवीन कार्पल्स है ना कार्पल्स पता है ना ये वो लिख रहा है उसमें कापल उसके बीच में होता है ये वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है जॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा इस साल आप मान के चलिए मैं आपको बता रही हूं अगले पांच क्वेश्चन जो है वो जॉइंट्स पे हैं उसमें से एक ना एक उस पर आपको जरूर क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता बता दे रही हूं अभी ठीक है राइट right? चलिए इसके बादें बादें बाद में बाद में बात करते हैं ब, ब, बता देती हूं मैं आपको कार्टलेजिनस जॉइंट ये फाइबर ज्वाइंट है ये नहीं होगा पाइवेट जॉइंट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिव ये एक्चुअली कार्टलेजिनस जॉइंट था ठीक है हिंड जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल बताओ ये ह्यूमरस और पेक्टोरल में कौन सा ज्वाइंट होता है बताओ ह्यूमरस में और पेक्टोरल गर्डल में कौन सा ज्वाइंट होता है चलो शाबाश जल्दी बताओ कमान कमान ह्यूमरस में और पेक्टोरल में कौन सा ज्वाइंट होता है वेरी गुड शाबाश बॉल एंड सॉकेट वेरी गुड अक्षय वेरी गुड नेहा वेरी गुड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है कौन सा ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है चलो वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर टेन गो थ्री टू वन स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन नाउ ऑस्टियोलॉजी आर्थ्रोलॉजी क्रेनियोलॉजी एंड कानीजियोलॉजी चलो शाबाश ये आपका कॉमन सेंस क्वेश्चन है चलो शाबाश गो वेरी गुड 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 शाबाश वेरी गुड हाँ जॉइंटोलॉजी लाइक कहां कहां से वर्ड्स लाते हैं उठा उठा के स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज थ्री टू वन हाँ ओह कैसे भाई कैसे आर्थ्रोलॉजी डोंट यू नो आर्थ्रोपोडा हाँ आर्थराइटिस जॉइंट्स आर्थ्रोलॉजी इज जॉइंट्स बेटा जॉइंट्स क्या कर रहे हो तुम लोग ऑस्टियोलॉजी क्या होगी अरे तुम बताओ मुझे ऑस्टियोलॉजी क्या होगी ये तुम ये स्टूपिड मिस्टेक है ये आई नॉट इवन टेक इट मैं इसको लूंगी नहीं इतना स्टूपिड मिस्टेक है ऑस्टियोलॉजी किसकी होगी ऑस्टियोसाइट क्या होता है बोन बोन स्टडी है ना सो स्टडी ऑफ ज्वाइंट लिखा है आर्थ्रो एक उसके आगे तो जाते कहाँ पता नहीं कहाँ की ट्रेन पकड़नी है भाई कहां तुमको इतना भाग दौड़ कहां के लिए रखे होते हो तुम्हारा आर्थ्रोज जॉइंट्स आर्थरो वर्ड का मतलब ही ज्वाइंट है ठीक है हाँ चलो कॉमन सेंस क्वेश्चन था ये हाँ बायो अब तो नाम चेंज कर दे बेटा वीडियो का लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो भाई देखो ये मैंने नहीं लिखा वहाँ नीचे भी आ गया यश यश एंड वीडियो को लाइक कर दो डॉक्टर सेंटीपीड मिस्टर व्यास वैसे कर दो हाँ लाइक है ना रस्ती मैम उच्चिया दीवारा प्लीज अच्छा तूने कहाँ सुन लिया मुझे गाना गाते हुए अमित अच्छा मैंने गाया तो था एक बार अमित वेरी गुड रामिंदू और धन्य जानवी सचदेव एंड निराकार योर नारायक स्टूडेंट मैम आ, मेरे नलायक बच्चे भी बहुत ब्राइट है I know that. Secret है।, है ना? यही नलायक बच्चे लाएंगे <laughs> भूल जाना, ना? तो भूल मत जाना हाँ. जी चलो आगे बढ़ते तो hmm. चलो, 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 चलो. नहीं कि एम्स में पड़ोसी हो गए तो मैम से ऐसे नजरें चुरा ली है ऐसे मत करना यार बहुत बुरा लगेगा मुझे <laughs> सैडल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैं पढ़ूंगी नहीं इसके तुम दो इसका आंसर दो फटाफट चलो हम्म गो 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 वेरी गुड हाँ शाबाश 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 वेरी गुड वेरी गुड हाँ देखो बेटा इसका आंसर था ट्रापीजियम कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा ठीक है ये मैं आपको पहले द्वारा आपसे झूठ क्यों बोलूंगी ऐसा, ऐसा ट्राफीजियम और ये स्केफ ये आपको नहीं आएगा पेपर में ठीक है बट आपके इसके लिए अच्छा है कि आपको यहां से ये पता चल गई एक चीज कि सैडल जॉइंट जो है वो आपके इसमें प्रेजेंट होता है आपके मेटाकार्पल में और इसका नाम है कार्पल का ट्रेपीजियम कार्पल तो ट्रेपीजियम कार्पल में जो आपका भी भी फर्स्ट में, है तो ये आपकी रेडियस और ये होती है आपकी अलना ठीक है तो यहाँ पे जो आपकी बोन होती है ना ये जो कार्पल आपकी मेटा कार्पल जो बोन है उसका नाम ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम आपको पता है ना मैथ्स में पढ़ते हुए टेढ़ा सा तो लाइक दैट सो ट्रेपीजियम कार्पल एंडा कार्पल थ और ये एक इकलौता ऐसा जॉइंट है जो बॉडी में सिर्फ एक ही है ओनली वन जॉइंट इज देयर इन द बॉडी दैट टू दैट टू योर ऑपोजिबल थम इन फैक्ट आपकी ग्रेट टो ग्रेट टो पता ना क्या है ग्रेट टो आपकी जो पैर पैर का अंगूठा है पैर का जो आपका थंब है उसमें भी प्रेजेंट नहीं है ये ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ के उसमें प्रेजेंट है है ना पैर के अंगूठे से थोड़ी उठा सकते हो आप कुछ लेकिन हाथ में

चलो 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 वेरी गुड गो ऑन हम्म गुड 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 कीप कीप गोइंग गोइंग शाबाश 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 नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो दिमाग खराब हो गया भाई तुम्हारा <laughs> खुद तो खुद तो डूबेंगे सबको साथ में लेके डूबेंगे नलायक hmm. और इसी के साथ है ना जंडा गाड़ते हुए हमारे बच्चे एकदम फिर फिर से ह्यूमरस विद स्कैप्यूला ग्लिनोइड कैविटी जो है वो ह्यूमरस विद स्कैप्यूला इसे ज्वाइन करती है ठीक है तो ये क्लाविकल विद स्कैप्यूला कौन है ये तुमको अभी पढ़ के आए हम लोग ये हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस है ये ये एक्रोमियन प्रोसेस है ये दो ऐसी चीजें हैं एक ग्लिनॉइड कैविटी एक एक्रोमियन प्रोसेस इस पे भी आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं बातों को सीरियसली लेना ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है किसको किसमें हेल्प करती है और एक्रोमियन प्रोसेस क्या करती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखना ठीक है समझ आया हाँ फोटो खींचो इसकी फोटो ये खींचने लायक नहीं है वैसे तुमने इसको खराब कर दिया इसके साथ में क्लैविकल विस्कैला के साथ में अदरवाइज हाँ ठीक है चलो वेरी गुड बहुत बहुत बढ़िया वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्बो ज्वाइंट एल्बो जॉइंट कौन साइडिंग चलो वेरी गुड बहुत चलो शाबाश शाबाशाश वेरी गुड एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चलो शाबाशाबाश थ्री टू वन प्लीज 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 बी गुड ओह थैंक गॉड प्लीज आई फोटो खींचो इसकी हिंज जॉइंट है ना हिंज नाजंट होता जसे, जसे, कुंडी कुंडी है ना कुंडी जैसे उसे जैसे कुंडी खुलना है ना आई डोंट नो व्हाट डू यू गाइस से बट हिंज ज्वाइंट इज जस्ट लाइक दैट है ना तो हिंज ज्वाइंट है आपका एल्बो ज्वाइंट अरे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका ये है ये है ना ये यहाँ पे

जोक्स बायोलॉजिकल जोक्स है ना सेशन करेंगे हम बायोलॉजिकल जोक्स जूम मीटिंग जॉइंट बिटवीन प्यूबिक बोन्स एंड द पेल्विक गर्डल इज ओ प्लीज ओ प्लीज यू कैन नॉट डू दिस रॉन्ग आई एम केने जज यू बिग टाइम आई एम के जज यू बिग टाइम फॉर दिस गाइड या कमान जॉइंट बिटवीन प्यूबिक बोन्स एंड दैल्विक गर्डल इज हाँ शाबाश शाब शावश ओ ओ प्लीज़ प्लीज़ हाँ अच्छा ग्राफ दो भाई मुझे इसमें बहुत दुख होगा मुझे अगर ओ भाई चल ज्वाइंट बिटवीन प्यूबिक बोन्स एंड द पेल्विक गर्डल इज आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है आपको पता है ना कौन सा ज्वाइंट है ये

Ah, huh. The shoulder and the hip joints are. The shoulder and the hip joints are come on. Shaba shava shavas. The shoulder and the hip joints are. Uh. Come on. Mm. Shaba shava shavas. Very good. Shoulder and the hip joints are. Uh. वेरी गुड 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 कीप गोइंग शाबाश प्लीज इसमें इसमें ना फोटो खींचनी चाहिए प्लीज ओ oh, भाई फोटो खींचो भाई थैंक यू थैंक यू भगवान थैंक यू ये रही मेरे होनहार बच्चे आई एम वेरी रेडी हैप्पी सॉकेट जो द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट्स आर द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट्स ठीक है ना वेरी गुड बहुत ही बढ़िया ठीक है एक सॉकेट होता है और एक होता है बॉल जिसमें फिट करता है दोनों जगह पर एलिप्सॉइड ज्वाइंट कौन बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जो मुझे ये बताएगा मैम ये एलिप्सॉइड ज्वाइंट कहां होता है आप बताएं जरा मैं आपको हिंट देती हूँ इसी रीजन इसी रीजन में आइए एलिप्सॉइड ज्वाइंट कहां होता है हाँ शाबाश देखो तुम ऐसे बढ़िया बढ़िया आंसर दोगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे है ना एलिप्सॉइड हाँ, ज्वाइंट बताओ कहाँ होता है एलिप्सॉइड ज्वाइंट गूगल कर रहे हो अभी <laughs> गूगल कर रहे हो पाम में मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजिस हाँ जी नकल्स में भी होता है मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस के बीच में होता है मेटाकार्पोलेंजिस ज्वाइंट है ना मेटाकार्पल्स है ना पांच मेटाकार्पल्स आप मेटाकार दो तीन चार पांच और फैलेंजिस मतलब ये डिजिट्स इसके बीच में होता है, है ना आ, ऐसे करके है ना इसके ऊपर ऐसे रेस्ट करके ना ऐसी जो उंगलियां जो ये ये हाँ ऐसे करके ये वाला जो होता है नकल्स में भी होता है ये ये वाला ज्वाइंट होता है ठीक है वीडियो को लाइक कर दो भाई ये असंदेश जनहित में जारी है ठीक है यश डॉक्टर सेंटीपीड निराकार योर लाइक स्टूडेंट जा मेरे बच्चे तो लायक हो जाएगा जा <laughs> मिस्टर व्यास ब्यास चारवी सिंह मलिक वेरी गुड चारवी सिंह आई हैव सीन यू द फर्स्ट टाइम गुड आ गुड जॉब तुषार जानवी सचदेव एंड आईना वेरी गुड आर डूइंग ग्रेट वेरी गुड वेरी नाइस ठीक है कीप रॉकिंग एंड अब भी अगले पंद्रह क्वेश्चन हैं और हम ज्वाइंट्स पे ही ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा आई कांट हेल्प इट एव रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन वाई बिकॉज यू सी मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें फोकस करो अच्छा आगे क्वेश्चन में जाने से पहले बट आपका क्रैश कोर्स जो है फोर फाइव जीरो जीरो में आ गया है कूपन कोड लगाइए लगाइएस नीट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ठीक है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं राइट क्वेश्चन नंबरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल्स आर दैट दे कार्डिक मसल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है चलो शाबाश ये बहुत इजी क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल्स आर दैट दे कमान 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 वेरी गुड शाबाश वेरी गुड 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 कार्डिक मसल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है चलो शाबाश 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 कीप कीप गोइंग की लाइक बच्चों तुम्हें इस कहाँ से गलत लिखा ना थैंक गॉड थैंक गॉड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया क्ट क्विकली एंड डो नॉट गेट फटीकड अगर ये फटीक हुई तो हम चल बसे ठीक है कार्डिक मसल अगर फटीक हुई तो हम लोग चल लिए चल बसे फिर हम जिंदा नहीं बचेंगे ठीक है ना सो दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली धक धक पॉज धक धक पॉज पॉज धक धक पॉज कब से शुरू हुआ जब से तुम मदर इनफैक्ट कंसेप्शन के टाइम पे वन मंथ पता है ना विद इन वन मंथ जो होता है वो हार्ट बन जाता है वन मंथ से शुरू हुआ था वेन यू वर इन द मदर्स होम

इन्वॉल्विंग एटीपीएस एक्टिविटी छह का क्वेश्चन है 2006 में आया, troponin, और ये, ये अच्छा क्वेश्चन है अच्छे से आंसर देना कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें हार्ड कोर बायोलॉजी दिस इज हार्ड कोर बायोलॉजी शाबाश वेरी गुड 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 एटीपीएस एक्टिविटी इज शाबाश क्या बात है वेरी गुड मायोसिन क्या है बेटा मायोसिन इसका करेक्ट आंसर है मायोसिन वेरी गुड बेटा ट्रोपोमायोसिन कैसे ट्रोपोमायोसिन तो एक्टिन का यूनिट है ना तुम्हें पता है इसका नाम मायोसिन क्यों है क्योंकि ये मायोसिन का बाइंडिंग साइट है बेसिकली एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट है ना मायोसिन की वो ये है इसीलिए इसका नाम ट्रोपोमायोसिन है ठीक है ये मायोसिन नहीं है ये एक्टिन की यूनिट है तो बेसिकली मायोसिन और एक्टिन जब जुड़ते हैं तो मायोसिन ज्वाइंट द ट्रोपोमायोसिन ठीक है ना हाँ तो ये इसका मतलब है राइट ओके तो कॉन्ट्रेक्टर्स एटीपीएस एक्टिविटी कहां होता है हेड में होती है कि टेल में होती है एच HMM है ना

मास आंसर आना चाहिए मास आ, कितने हो रही है कितनी हो रही है दो दो बाइंडिंग कितनी होती है दो एक होती है आपकी एटीपीएस एक्टिविटी के लिए दूसरी होती है आपकी एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए तो एक इसके साथ जुड़ेगा और एक, एक में एटीपीएस चल, चलेगा ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन थ्री टू वन नेम आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अन मास्किंग द एक्टिव साइड फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ज्यूरिंग मसल ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसको सारे लोग सही करेंगे सब लोग मैं गलत आंसर लूंगी ही नहीं इसमें बिल्कुल नहीं लूंगी मैं गलत आंसर ये बहुत इजी क्वेश्चन है चलो शाबाश, हा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इसको क्वेश्चन को तुम गलत करो हाँ चल, चो, चल, चोर चोर चो, शाबाश 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 बहुत बुरा लगे मगर तुम इसका आंसर गलत करोगे तो oh, thank God. Thank God. Thank God. का लाख लाख शुक्र है वेरी गुड शाबाश कैल्शियम कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर हाँ पता है ना आपको कैल्शियम कहां प्रेजेंट कहा सार्को में तो एक्टिन में एक टीपी सी यूनिट होता है ट्रोपोनिन है ना ट्रोपोनिन होता है इसमें ट्रोपोनिन याद ट्रोपो ट्रो है 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 ना ना मैंने बोला था मिक्की मिक्की माउस माउस ये तो के तीन होते हैं एक होता है उसका टीपीटी टीपीआई और टीपीसी टीपीसी तो टी के साथ में आपका ये करता है और जैसे ही ज्वाइन करता है, ये उसकी साथ को ये का तो है जैसे ही ज्वाइन करता है उसको ट्रोपोमायोसिन को ठीक है एक्टिन को अनमास्क कर देता है फिर वो इसके साथ में जुड़ जाता है समझ में आ गया ये एनसीआर की लाइन है ठीक है ना हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया कैल्शियम तो एक बात तो ध्यान में रखना कि जहां भी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात होगी तो कौन सा आयन इन्वॉल्व होगा कौन सा आयन इन्वॉल्व होगा कैल्शियम हमेशा हमेशा कैल्शियम इन्वॉल्व होगा ठीक है इस बात का खासा ध्यान रखना है तुमने खास ध्यान रखना है तभी तो देखो कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है कैल्शियम की कमी हो जाए बॉडी में तो विच विच डिजीज डू वी सफर हाँ कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है चलो चलो आपके उसमें एनसीआर का क्वेश्चन है ये चलो जो जल्दी जल्दी जल। 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 कैल्शियम की कमी कौन सी बीमारी है अरे टेटनी हाँ टेटनी ऐसे तुम तो हार्ट अटैक दे देते हो मुझे ऐसे ऐसे आंसर्स ना देखे वाह क्वेश्चन यार इतने इजी इजी क्वेश्चन है चलो एक्ट इन फिल्मेंट पोजेस एक्ट इन फिल्मेंट में क्या क्या होता है चलो शाबाश हा टेटनी चलो शाबाश जल्दी बताओ एक्ट इन फिल्मेंट पोजेस चलो 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 शाबाज शाबा शाबाश वेरी गुड कीप गोइंग काफी अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है न? थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था आई नो दैट ट्रोपोम एंड ट्रोपोरिन दोनों होता है तो actin क्या? Actin को F -actin कहते हैं. पूरा है ना मतलब माला की जैसा होता है ठीक है ना एफ एक्टिन जो कि जी एक्टिन की छोटी 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 यूनिट से बना होता है उसके ऊपर होता है आपका ट्रोपोमा जो रस्सी के जैसे बना हुआ है और मिक्की माउस है माउस का क्या नाम है माउस का नाम है ट्रोपोनिन आपके बायोलॉजी के मिकी माउस का क्या नाम है आपके बायोलॉजी के माउस का नाम है ट्रोपोनिन ठीक है ध्यान रखना इस बात को भूलोगे नहीं कभी भी राइट सो ट्रोपोनिन एंड ये सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एवी गो थ्री टू वन एक्सटेंसर्स मसल्स ऑफ द बैक आ रही मैंने कल आपको समझाया था अच्छे से एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक कौन सी होती हैं चलो, चलो चलो शाबाश शाबाश जल्दी 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 हम्म एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक आर गो 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 शाबाश 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 कल हाँ। कल इस कल बड़े समझा थे मैं थ्री टू वन प्लीज 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 टू गुड ओ चाटे पड़ेंगे तुम्हें बत्तवीज कहीं के? रेड मसल रेड गॉड एक्सटेंसर मसल रेड मसल्स आपको पता है जब आप सुबह उठते हो सो के पूरा दिन जब तक आप सोते नहीं हो बेड पे दोबारा आपकी जो बैक बोन की muscles है, मसल्स हैं जिसको हम एक्सटेंसिड मसल्स ऑफ द बैक कहते हैं ये हमेशा काम में लगी रहती हैं, ठीक है ये है आपकी रेड मसल्स जिसमें मायोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं और काम भी ज्यादा करती है फटीग लेट होती है फटीग होती है बहुत कम लेट फटीग होती है समझ में आया रेड मसल्स हैं कौन सी है रेड मसल्स हैं बहुत लेट फटीग होती है ठीक है रेड मसल्स आपकी एक्सटेंश मसल बहुत काम करती है सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहते हैं जैसे अभी अभी भी काम कर रही है मेरी भी तुम्हारी भी तुम बैठ के देख रहे हो मैं पढ़ा रही हूं हम चल रहे हैं बैठ रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं जब तक हम लेटते नहीं हैं बेड पे और आपको पता है लेट के भी जब अपनी पूरी बैकबोन को पूरा रेस्ट नहीं करवाते हो ठीक है एनीवे बारे में बाद में बात करेंगे उसके ऑपोजिट थी आपकी वाइट मसल्स वाइट मसल्स आप मुझे बताओ मसल्स कहां मिलती है आपकी वाइट मसल्स बॉडी में मैंने कल एग्जांपल दिया आपको वाइट मसल्स कहां मिलती है आपकी बताओ वाइट मसल जो है उसमें लेस मायोग्लोबिन है और फटीक बहुत जल्दी होती है बहुत जल्दी थक जाते हो तुम लोग बताओ कहां मिलेंगे व्हाइट मसल चलो शाबाश देखो कित कितने लोगों को याद है मैं देखूँ जरा है हाँ, नलायक बच्चे हो लेकिन हाँ कोई मत, मेरे ही हो इट्स ओके वेरी गुड काफ मसल्स हैं आपकी आपकी काफ मसल्स आपको पता है जो स्प्रिंट भागते हैं लोग जो मैराथन भागते हैं मैराथन नहीं सॉरी मैराथन के लिए आपके रेड मसल्स चाहिए जो स्प्रिंट भागते हैं सो मीटर का स्प्रिंट होता है ना सौ मीटर की दौड़ लगानी है तो उसमें ना तुम उसको ट्रेन कर सकते हो उन मसल्स को बहुत कम टाइम के लिए काम करती है मतलब वो ज्यादा आपका साथ नहीं देती वो ठीक है तो कम टाइम के लिए आपका आप ट्रेनिंग करके उसको उस पर वो कर सकते हो तो इसलिए आप जल्दी थक जाती हैं इसलिए जो जो, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं मुझ जैसे लोग वो जल्दी थक जाते हैं ठीक है बिकॉज वो ये स्ट्रांग नहीं है उनकी व्हाइट मसल्स रेड मसल्स ऑन ज्यादा दे आर स्ट्रांग माइग्लोबिन भी ज्यादा है उनमें ठीक है आप इन मसल्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिक आपका मेकअप है ये ठीक है हाँ बाइट ज्यादा फास्ट लेकिन फटीग इजिली फटीग इजिली कर जाती है हाँ जी चलिए वेरी गुड और यश हमारा बच्चा जो है वो अभी टॉप पे चल रहा है वेरी गुड यश गुड जॉब वेरी गुड वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सच में लाइक कर दो <laughs> ये पता नहीं कौन बच्चा है भाई निराकार वेरी गुड रस्टी डॉक्टर सेंटीपीट तुषार चारवी मिस्टर व्यास आईना अमित बालाशंकर भाल भाल शंकर भाल शंकर वेरी गुड ओके वेरी गुड गाय गुड जॉब गुड जॉब एंड लास्ट टेन क्वेश्चन रॉकेट ठीक है ना बस इतने क्वेश्चन आपने कर लिए कल का चैप्टर रिवाइज कर लिया आज के क्वेश्चंस कर लिया ना इतना भी बहुत है लोकोमोशन के लिए लोकोमोशन में तुमने ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है मैं तुम्हें पहले भी बता दिया है ठीक है लोकोमोशन में तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं आते हैं मैं ये नहीं बोलू नहीं आते लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन वेर द प्रॉपर्टी डिस्क्राइबिंग मसल फाइबर इज नॉट एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ स्टमक ये कॉमन सेंस लगी लगेगी इस क्वेश्चन में बता रही हूं पहले मैं कौन सा जो है वो स्टमक वॉल के साथ एसोसिएटेड नहीं है थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये प्रेजेंस ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ब्रांच मल्टीन्यूक्लियेटेड अपीयरेंस प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शंस इन वॉलेंटरी नेचर हां चल 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 जो शाबाश शाबाश वेरी गुड हम 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 3 2 1 देख तो आप किस-किस में कॉमन सेंस है खुद तुम खुद को गुड जज करना मैं कुछ नहीं कह रही अवे अवे क्या कर रहे हो तुम लोग अवे

लेकिन वो तो ब्रांच नहीं है ये कौन सा कौन सी मसल पढ़ रहे हो तुम मुझे <laughs> बताओ कोई चौथे टाइप के मसल डिस्कवर हुई है ना क्या पता मुझे ना बताओ बता दो मुझे भी है ना बताओ मुझे भी बताओ तुमने लिखा है ना ब्रांच एंड मल्टी वाह चांटे लगेंगे चांटे सच में बता रही हूं सामने तो थप्पड़ पड़ते तुम्हें ब्रांच एंड मल्टी न्यूक्टेड स्पिंडल फाइबर फ्यूजी फॉर्म एंड यूनि न्यूक्लियेटेड स्मूथ मसल्स वो स्मूथ मसल्स ये होना था इसका फीचर सेल जंक्शन सी वाह हम बहुत बढ़िया है ना पैट करो खुद पे बैक करो वाह कान खींच के कान खींच के चांटा लगाओ खुद को ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करो चलो हम आपके क्वेश्चन इजी लग रहे हैं वैष्णवी <laughs> ऐसे मत बोल बेटा <laughs> विच द फॉलोइंग आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन रेगुलेटरी ध्यान रखना रेगुलेटरी में बता रही हूं तुमको हाँ चलो 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 शाबाश 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 हाँ रेगुलेटरी प्रोटीन इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन हाँ <laughs> तो हंसी बहुत आती है बताओ यार तो खुद पे हंस लेते वैसे खुद पे हंसने वाले ना सही रहता है मतलब <laughs> कभी स्ट्रेस आउट नहीं हो तो पर मेरे सामने मत हंसा करो खुद पे खुद भी हंस लिया करो अकेले में भी हाँ थैंक गॉड क्या बात है क्या बात है वाह भाई मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं बचा है वाह ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन बहुत ही बढ़िया वेरी गुड दैट्स व्हाई आई एक्चुअली अनाउंस्ड इट द रेगुलेटरी प्रोटीन विच आर एक्चुअली एक्चुअली रेगुलेटिंग रेगुलेट कर रहे हैं किस चीज को आपके

मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर द डिफरेंट यूनिट्स मायोसिन जो है और ट्रोपोमायोसिन डिफरेंट यूनिट है मायोसिन एक बेटा बिल्कुल आपका थिक फिलाेंट है ट्रोपोमायोसिन आपका थिन फिलामेंट है एक्टिन यूनिट है वो ठीक है ना एक नहीं यूनिट है बेटा ठीक है दो प्रोटीन जो है वो तो एक ही मसल में प्रेजेंट होने थे ना वो तुमने दो दो मसल को चूज कर लिया ठीक है ना तो आपने ट्रोपोनिन एंड ट्रोपो, एं ट्रोपो को देखो मायसर को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो वैसे भी मूव नहीं करता मायासर को तो क्या फर्क पड़ रहा, कोई नहीं रहा उसको? है ना को कोई फर्क नहीं पड़ता मूव तो एक्टिव नहीं करना है तो रेगुलेशन उस पर ही रिक्वायर्ड है सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गो थ्री टू वन ऑल द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स की सारी प्रॉपर्टी एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है कॉमन सेंस चलो एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिदमिसिटी एंड टोनिसिटी चलो 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 शाबाश शाबाश हम्म वेरी गुड 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 शाबाश 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 कोहन वेरी गुड ऑल द फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज स्केलेटल मसल्स एक्सेप्ट कॉमन सेंस गाइस कॉमन कम ऑन मुझे पता है इसमें दो में कंफ्यूज हो गए तुम तो, ओह मुझे पता था मुझे पता था तुम इसमें करोगे अबे रिदम इज सिटी यार प्रॉपर्ली स्केलेटल मसल्स टोनिंग है ना टोनिंग तुम्हें बॉडी की टोनिंग नहीं पता कि टोन टोनिसिटी होती है बेटा उसकी तो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कौ, ही होती हैं ठीक है ना तो टोनिसिटी है उसका रिदम इज सिटी नहीं है अच्छा तुम क्या कह रहे हो अगर सिटी जो इसने टोनी टौनिस, सिटी क्लिक किया सिटी नहीं क्लिक किया मतलब ये बोल रहे हो तुम और कह रहे हो कि आप स्केल्टल मसल जो है उसकी रिदम सिटी प्रॉपर्टी तो इमेजिन हम हाथ ऐसे, ऐसे ऐसे मिला रहे होते लोगों से ऐसे ऐसे ठीक है ना बाय ऐसे 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 बोल रहे होते

paralysis of both lower limbs due to spinal cord damage and not the upper limb is called as hemiplegia diplegia quadriplegia and paraplegia chalo shabash ye medical terms hai nahi bhi aata hoga koi baat nahi main bata dungi tukka maro chalo isme koi baat nahi maro tukka free ho tum tukka maro isme मेरे बच्चे वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो उसका वो कर लेना क्या कहते हैं उसका resolution change करना हाई क्वालिटी पे लगा ले कोई बात नहीं इट्स ओके okay. कोई नहीं इट्स ओके okay. देखो बेटा पैराप्ले पैरालि बोथ लोअर लिम्स टू स्पाइनल कॉर्ड डैमेज एंड नॉट द अपर लिम्ब पैरालि मतलब कि नीचे वाले हिस्से का ना चलना बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो गया उसका नहीं चलना ये होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से एक्सीडेंट हो गया कोई ऐसे मतलब कोई ऐसे बीमारी हो गई जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम कर दी ठीक है एल्कोहल uh, कंजप्शन से ज्यादा होता है बहुत सारे रीजंस होते हैं मतलब इसके ना तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पैराप्लेजिया ठीक है उसी तरह दूसरी और क्वाड्रीप्लेजिया वो होता है कि चारों लाइक फोर लिम्स के है ना टू हाइंड लिम्स टू फोर लिम्स टू लिम्स के जित अगर सारा की सारी बॉडी को पैरालिसिस हो गया तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया डाई प्लेजिया मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ टांगों का ही होता है सिर्फ और सिर्फ टांगों का ही जिसमें टांगे नहीं मूव कर पाती हैं वो होता है बेटा हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है वन साइड ऑफ द बॉडी गेट ठीक है तो उसको हम कहते हैं ये प्लेजिया वर्ड इज रिलेटेड टू पैरालिसिस याद रख लेना ये आपका मेडिकल वर्ड है मेडिकल वर्ड है ये ठीक है प्लेजिया राइट सो so, हेमी आधा डाई दोनों टांगों का सिर्फ क्वाड्री चारों का हाथों पैरों का और बाजू का मतलब पैराप्लेजिया लोअर लिम्स का, ठीक ठीक है Done? है है हो गया ना कोई हाँ, कोई बात नहीं इस तुमने कोई नहीं तुमने गलत दिया चक्कर बट तुम्हें पता चलना चाहिए अब आगे से गलती नहीं करना है इसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो नया जो है ना न्यू बॉर्न जो बच्चा है आपका रूफिंग बोन्स ऑफ द स्कल लीव सॉफ्ट गैप्स कॉल्ड एज सूचर्स फॉन्टेन सिंफसिस गैप जंक्शन हिंट वन आउट करो इसमें ऑड वन आउट करो इसमें गलतियां करो तो, but that's okay. कोई बात नहीं सीख जाओगे फिर पे okay. hmm. करो चलो शाबाश रूफिंग ऑफ द स्कल सॉफ्ट गैप्स कॉल्ड एज वेरी गुड है ना ट को तुमने अच्छा ले लिया मतलब कि वेरी गुड ना मतलब ट्यूनिंग है हमारी है ना बच्चों की और मैम की ट्यूनिंग है वेरी गुड फॉन्टनल्स कहते हैं सूचर्स नहीं कहते हैं छह इसकी छ्रेनियल जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना उसकी छह ही क्रेनियल बोन्स होती हैं पता है एनी वेज चलो ये अलग स्टोरी है तुम पढ़ लोगे खुद एम बी बी एस में जाके पढ़ो खुद सारा कुछ मैं पढ़ा के दूँ क्या वो उनका दिमाग खाना जाके अपने टीचर्स का फॉन्टनल्स Fontanils, क्या होते हैं बेटा uh, ये जो आपकी cranial bones है ना जो छह क्रेनियल एंड गैप्स होते हैं इन बोन्स के बीच में अब इसका फंक्शन क्या है फंक्शन इसका ये है कि जब बच्चा जब यू नो ड्यूरिंग पाच जब चाइल्ड बर्थ के दौरान में यू uh, नो you know ना कि हेड सबसे पहले निकलता है

Then, ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा ठीक है ये ये क्वेश्चन 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 आपको आपको पेपर में नहीं नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम है ये आपके ऐसे जनरल नॉलेज के लिए हो गया बट रिलेटेड रिलेटेड पता 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 होना चाहिए ना? पता होना चाहिए पता होना चाहिए चाहिए ना ऊपर नीचे चलो वेरी गुड यार तुम सीट ले जाओगे है ना बिना मतलब से ऐसे परेशान मत करो यहाँ पे धान्या आयना एंड मिस्टर व्यास वेरी गुड चलो आई ने टी यहाँ क्या कर रहे हैं बोथ रखा है क्या ड्राओ मत यार ऐसे बोथ रख के भी तुम ऐसे बोर्ड पे आ रहे हो हमारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए मैडम हम तो <laughs> मैडम हम तो अभी भी एनीवेज <laughs> हाँ uh, anyway, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट के पांच क्वेश्चन है ना इसके बाद आपका उसका है ना एस एस सर का वो है सेशन है ना उसमें कुछ तो तुम करने वाले हो कमाल रेपिटेटिव मस्कुलर एक्टिविटी एट मॉडरेट लेवल सच एज वेट ट्रेनिंग कैन रिजल्ट इन लड़के लोगो ये तुम्हारे भी क्वेश्चन है ढंग के आंसर देना इसका गाइस दिस इज जस्ट सी एंड देन गिव द आंसर करेक्टली हाँ कसम है तुम्हें उस जिम के हर एक दिन की अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो Three, two, one. क्या क्या बात है ही <laughs> यार ऐसी इतना सीरियसली लेते हो वाह क्या बात है तुम बहुत बढ़िया मॉडरेट लेवल ट्रेनिंग कैन रिजल्ट इन द

ठीक है तो दिस इज मसल मास का इंक्रीज हो जाना ठीक है ना सोलह इंच का डोला या सत्रह या 18 जितने का का भी इंच का डोला है भाई तुम्हारा तो दैट कंडीशन इज मस्कुलर हाइपोट्रॉफी मसल मास का बढ़ जाना ठीक है क्या ये बुरी चीज है ये बुरी चीज नहीं है दैट मीन्स आपकी मसल जो है वो स्ट्रोंग हो रही है ठीक है ठीक है ठीक है भाई हां जी हाँ जी और <laughs> पता है ना दूसरी सेगमेंटल मसल्स को जो आपकी एब्स होते हैं एब्स पता है ना है ना एब्स सेगमेंटल मसल्स जो तुम्हें एब्स बनाते हैं मेरे सिक्स पैक्स हैं मेरे एट पैक्स हैं कितने पैक्स होते हैं यार छे होते हैं आठ होते हैं मुझे है। पता भी नहीं है ऐसा छे होते हैं कि आठ होते हैं कौन कितने पैक होते हैं हाँ। देखो सही छ पैक होते हैं कि आठ होते हैं कितने पैक्स होते हैं यार छह पैक होते हैं सिक्स पैक्स होते हैं छ

नीट देने जा रहे तुम्हारे कोई तुम्हारे एप्स है शा, चलो शाबाश नीट देने वाले आई एम एक्सपेक्टिंग तुम मोटे हो चुके हो उस वक्त अगर यूरे गाय तुम्हारी दाढ़ी बढ़ चुकी है ठीक है ना बाल ऐसे खड़े हैं ऐसे करके मतलब <laughs> तब मैं मानूंगी तुम नीट के बच्चे हो

तो ऐसेलक्न वहां पर पहुंच नहीं पाता है तो मसल की कॉन्ट्रेक्शन होती ही नहीं है नहीं होती है तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अपनी ही बॉडी अपनी ही बॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है और कॉन्ट्रेक्शन है ठीक है चलो वेरी गुड हो ना मोटे हो ना है ना टेंशन कोई नहीं है फिर सही हो मतलब अगर मोटे हो या पतले हो गए एक्सट्रीमली बिल्कुल सही जा रहे हो <laughs> चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्टिओपोरिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर्ड ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रॉफ़ी रुक जा आ जाएगा उस पर क्वेश्चन आएगा आगे चलो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है hmm. चलो यार लॉकडाउन के टाइम में मजे तो आ जाते हैं तुम्हारे साथ वैसे ऐसी बात तो नहीं है <laughs> मज़ा तो आ जाता है तुम्हारे साथ वेरी गुड शाबाश डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है ना एस्ट्रोजन के टाइम पे बेटा जो मेनोपॉज के टाइम पे जो है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस बट दैट इज नॉट द ओनली कॉज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस कुड बी मेनी है ना बहुत सारे हो सकते हैं है ना ऑस्टिपोरिस के और ब्लड कैल्शियम लेवल का जिसमें बढ़ जाना ठीक है ना तो डिक्रीज लेवल ऑफ एसोजन ऑस्टिपोरिस है ना ब्लड कैल्शियम लेवल कौन सा हार्मोन जो बढ़ा देता है बताओ थाइरोल्सिटॉन या पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो कौन हार्मोन बढ़ाता है पैराथॉर्मोन बढ़ाता है या थाइरोल्सिटोन टीसीटी या पीटीएच टी या टी टी पीटीएच या टीसीटी कौन सा बढ़ाता है पैराथॉर्मोन पैराथॉर्मोन तो पैराथॉर्मोन का भी अगर है ना हाँ उसकी भी हाइपर सिकृष्टन हो जाए तब भी मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस का ही केस है मतलब बहुत सारा वो जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है है ना तो बॉडी से बहुत सारी जो हड्डियों से बहुत सारा कैल्शियम जो है वो छूट रहा है ठीक है निकल रहा है नीचे निकल रहा है ठीक है राइट वेरी गुड बहुत बढ़िया तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज प्लीज माइंडेड है ना ऑस्टियोपोरोसिस का जो रीजन है चलो शाबाश फॉलोइ मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड इटमे से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर जो है वो इनहेरिटेड है चलो शाबाश वेरी गुड वेरी गुड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन किसकी लर्निंग पावर तेज है चलो शाबाश 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 गो वेरी गुड कमान 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 गाइस कमान शाबाश 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 विनीता चीटिंग करा रही है तू एंड यू गो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एब्सोल्यूट द करेक्ट आंसर हाँ बेटा फौजिया ये देख ले बेटा आ गया क्वेश्चन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्चुअली क्या है डिस्ट्रॉफिन एक प्रोटीन है ठीक है जो कि आपका जो ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं आपके इसको ज्वाइन करता है आपके सार्कोलेमा से जब डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो जो आपके मायोफिब्रिल्स हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सार्कोलेमा से और वो वहीं के वहीं ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ही नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड है कौन सा है एक्स लिंक्ड है ठीक है ना जैसे मान लो ऐसे एक्टिन फिलामेंट है तो वो सार्कोलेमा अगर ये मसल फाइबर है तो इसके साथ ज्वाइन करेंगे उसको डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो है वो ज्वाइन करवाता है तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं बनता कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी ठीक है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है एक्स लिंक्ड लड़कों में ज्यादा होता है लड़कियों में द गर्ल्स आर कैरियर्स उनके नेक्स्ट uh, जनरेशन uh, में सिर्फ हो सकता है ये दैट टू इन गाइस अगर लड़की होगी तो अगेन कैरियर होगी उसकी ठीक है डन है वेरी गुड बहुत बढ़िया लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी द प्रोटीन हुज प्रोडक्ट्स प्रूस प्रोडक्शन गेट अफेक्टेड इन डुशन मास्कुलर डिस्ट्रॉफी इज य कॉमन सेंस क्वेश्चन भी नहीं है ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन चलो प्रेजेंस ऑफ माइंड चलो शाबाश 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 गो ऑन वेरी गुड गो 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 वेरी गुड शाबाश प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन हाँ चलो 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 थ्री टू वन

तो इस तरीके से अरे ये मायोट्रोफिन वाले कौन है यार एक्टिव वाले हाँ ये कहाँ से आए हैं ऐसे नहीं बेटा सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस और कल आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट है टुमारो 7 पीएम यू हैव अ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट टुमारो 7 पीएम हम उसको एक ही शॉट में खत्म करेंगे इंक्लूडिंग आई एंड ईयर आल्सो एंड ब्रेन ब्रेन पढ़ेंगे

कल उसका वन शॉट परसों उसका मेंटी है तो कल किसी ने मिस नहीं करनी है क्लास से ओके ठीक है सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड लेट अस जस्ट सी हु इज द विनर ऑफ टुडे आज देखते हैं कि आज का हमारा विनर कौन है ओके वीडियो को लाइक कर दो हाँ हाँ देखते हैं वीडियो को लाइक कर दो या यश है कौन है देखते हैं जरा वाफे यार <laughs> ठीक है? भाई सबसे पहली बात है वीडियो को तो लाइक कर ही दो ठीक है और यार तुम्हें अपना नाम लिखा करो ना बेटा ठीक है ये तो मेरा काम है ना ये ऐसे से काम ना मैम को दे दो ठीक है ये काम मैम कर लेगी ठीक है ना तुम अपना नाम लिखो बढ़िया से है ना तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा इतना बढ़िया बढ़िया नाम लिखा देखो तो तुम जीत गए यहाँ पे सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड गिव प्राउड ऑफ विनर वीडियो को लाइक like कर दो चाहे ठीक है जो भी है सो so, इसके इस, इनके लिए तालियां वेरी गुड एंड बच्चा आई वुड रियली इफ यू आर द चैट बॉक्स प्लीज राइट योर नेम आई वुड रियली लव टू सी योर नेम हियर एंड यश yes, उसके बाद है रस्ती उसके बाद तुषार सार्थक है अच्छा इसके पीछे एक बच्चा का नाम छुप गया है उसके बाद है आईना निराकार अमित एंड अमित इट्स ऑफिशियल अच्छा एंड धान्य वेरी गुड गुड जॉब गाइस वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वो भी जो भी है वीडियो को लाइक कर दो गाइस अरे हो क्या तुम तो चैट बॉक्स पे नाम तो लिख दो अपना नहीं हो क्या <laughs>

यू कैन प्लेस इन द वीडियो नीचे और आई विल आंसर दैट ठीक है आज की वीडियो में आंसर कर दूंगी एंड uh, जाने से पहले अपने रैंक में सर शेयर कर दीजिए यहाँ पे चार्ट बॉक्स में और ये आपका बेटा क्रैश कोर्स है बिफोर गोइंग मैं आपको यही बोलूंगी कि क्रैश कोर्स जो है इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है बेटा 60 सेशंस में आपके पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दे रहे हैं बेटा हालांकि इसके आधे सेशंस हो चुके हैं बट ड मैटर जितने भी आधे बच्चे हैं लाइव सेशंस आप उसको फुल अटेंड कर पाओगे ठीक है सारा का सारा सिलेबस आपको कवर्ड मिलेगा इसमें वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपकी डाउट विंडो जो है वो सुबह से लेकर शाम तक खुली रहेगी ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका और आपका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मॉक टेस्ट जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट हैं मॉक टेस्ट पेपर्स हैं सारे के सारे सॉल्व करवा रहे हैं प्लीज वो आपको डिस्कस भी करवाएंगे उसकी एनालिसिस भी करवाएंगे आपके साथ में ठीक है बेटा तो इसको अवेल करने के लिए इसका ड्रिल बॉस सिंपल है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जस्ट फोर फाइव जीरो जीरो में साढ़े चार हजार रुपए में आपको मिल रहा है, सिर्फ साढ़े चार हजार है तो बेटा आपने कूपन कोड लगाना है एम एस नीट एंड आपको ये फोर फाइव जीरो जीरो में मिल जाएगा ठीक है बेटा नाइन्थ अगस्त से बैक शुरू हुआ था ये थर्टी फर्स्ट अगस्त को खत्म हो जाएगा ठीक है ओके चलिए सो अगर ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इसको नहीं ज्वाइन किया उसको भी ज्वाइन कर लो बेटा और लाइक कर दिया वीडियो को आज तो कर ही दिया होगा तुमने लाइक कर दिया वीडियो को लाइक कर देना शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है रोज मिलना है ना मिलना है ना रोज ठीक है तो कल कितने बजे मिलेंगे कल कितने बजे मिलेंगे शाम को सात बजे टुमारो सेवन पी एम गाइज सी यू अच्छे से करेंगे और परसों कामेंट मेंटी करेंगे ओके बाय 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 एवरीबॉडी अभी चलो तुम्हारा भी अभी उसका क्लास है फिजिक्स का क्लास है अभी है ना थोड़ा लंबा सेशन है तो उसको अच्छे से अटेंड करना है सारे डाउट्स पूछ लेने सब पूछ लेना सर से आज क्या मैम ने बोला है कि सर आपको बताना पड़ेगा ठीक है सब पूछ लेना सर को हाँ <laughs> अच्छे से डाउट्स पूछ हैं भर भर के ओके चलो बाय बाय बाय